मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से चाय पर चर्चा की। इस दौरान राजवर्धन सिंह ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तेजी से किए जाएंगे और जल्दी से जल्दी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चाय पर चर्चा के बाद बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्य फास्ट ट्रैक पर किए जाने के लिए कहा है, जिसमें क्लियरेंस जरूरी है। उन्होंने कहा चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे पर फोकस किया जाएगा और औद्योगिक इकाइयों संबंधित संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जो पुरानी जमीनें जो पड़ी हुई हैं उनका रेशलाइजेशन किया जाएगा, रेट को पुनः विचार कर नया किया जाएगा। जयवर्धन ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात भी जोर डालकर कही। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट अच्छा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की स्थिति इन दिनों सुधरी है और आगे और भी अच्छी होगी। मुख्यमंत्री जी से बहुत उपयोगी चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर चीज को हम फास्ट ट्रैक करें और जल्दी से जल्दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम आगे बढ़े। 30 दिन का उन्होंने जो टारगेट दिया है उसमें क्लियरेंसेज एक तो हमें फास्ट करने के लिए कहा गया, दूसरा जहाँ निर्णय त्वरित होने चाहिए वो डिसेंट्रलाइजेशन पर भी हमने चर्चा करी है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो हमने आज जिस पर चर्चा हुई वो ये है कि एयर कार्गो का हब मध्य प्रदेश बने। मध्य प्रदेश के पास बहुत संभावनाएं हैं और आने वाले समय में हम पॉलिसी बना रहे हैं जहाँ पे हम देश में अग्रणी इस क्षेत्र में बनने वाले हैं। विशेष तौर से इसलिए उपयोगी हुआ कि जहाँ पेरिशेबल कमोडिटी और गुड्स होते हैं विशेष तौर पर फूड प्रोसेसर, तो एक निश्चित समय सीमा में उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, इस पर हम कार्य करें। जहाँ जहाँ एयर कार्गो फील्ड्स की संभावना है उनको हम पूरी तरीके से उसका परीक्षण करके वहाँ कार्य करने वाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।